बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। दरअसल कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के बेटे को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोक लिया था। इस मामले में पहले बेटे और फिर चैंपियन ने इंस्पेक्टर पर शराब पीकर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। हंगामे के बाद पुलिस ने चैंपियन के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद ही कुंवर प्रणब चैंपियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। चैंपियन ने सीएम धामी से डालनवाला के थानाध्यक्ष नंद किशोर भट्ट के व्यवहार की शिकायत की है। इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद चैंपियन ने डालनवाला एसओ नंद किशोर भट्ट को गैर जिम्मेदार और अमर्यादित बताया है। सम्मानित मीडिया बंधुओं, आप संविधान का चौथा स्तंभ है, मैं बहुत सम्मान आपका करता हूं। देखिए, एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की मित्र पुलिस बहुत अच्छी है, हमारे एसएसपी देहरादून कुंवर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे डीजी पुलिस अशोक कुमार बहुत अच्छे हैं। अब हो गया है कि ये इंस्पेक्टर हो गया कहीं से, ये नालायक किस्म का झूठा है, भ्रष्ट है, अशिष्ट है, अमर्यादित आचरण रखता है। इसके द्वारा अभी दुकानों का एक घोटाला किया गया था, तो एसएसपी देहरादून ने अपने कार्यालय संबद्ध करते हुए इसको निलंबित किया था और एसपी सिटी सरिता डोभाल को इसकी जांच सौंपी थी। अब अचरज का विषय है कि 22 अगस्त को तो ये निलंबित होकर एसएसपी ऑफिस में अटैच हुआ, दोबारा से फिर इसको प्रभारी कोतवाल बना दिया डालनवाला का, और शराबी व्यक्ति है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, नाराजगी थी। मैंने कहा मैं पुलिस का विधायक रहा हूँ, लगातार 4 बार के टर्म में 20 साल मैंने पुलिस के हक में सवाल उठाए हैं। एपी टीपी सीपी के ट्रांसफर आपस में करने हो, दरोगाओं का पे ग्रेड का मामला हो, चाहे पति पत्नी का एक जगह पोस्टिंग हो, हेल्थ इश्यूज हो, हर विधानसभा सत्र में मैंने सवाल उठाए। तो पुलिस पे कुछ अपना अख्तियार समझता हूँ, पुलिस का विधायक कहा जाता है मुझे, लेकिन इस व्यक्ति एन के भट्ट ने उत्तराखंड पुलिस को शर्मसार किया है। मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं, मुकदमे तो होते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने नेता सदन आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके आया हूँ, उनको पूरी बात मैंने बता दी है और वो इसमें उचित निर्णय ले रहे हैं। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन का विवादों से पुराना रहता रहा है, अब एक बार फिर से वे विवादों के केंद्र में आ गए हैं। वक्त ही बताएगा कि सीएम धामी से मुलाकात से चैंपियन को कोई फायदा हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि थाने में एक बार मुकदमा दर्ज होने के बाद चैंपियन की मुश्किलें तो जरूर पड़ गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।